प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए एक अबूझ पहेली बन गए हैं। पीएम मोदी जो सोचते हैं और जो करते हैं, विपक्ष उसके आसपास भी नहीं फटक पाता। इन सबके पीछे सिर्फ एक कारण है, काम करने की नीयत। पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो विपक्ष नेगेटिव पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ता है और यहीं पे टाइम टाइम फिस हो जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को जहां विपक्ष राजनीतिक अखाड़ा बना रहा था, मोदी सरकार और भाजपा ने इसे सामाजिक संदेश देने का माध्यम बना दिया। पीएम मोदी सामाजिक न्याय पर हमेशा जोर देते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। वो एक ऐसी आदिवासी महिला हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर इस सर्वोच्च पद पर पहुंच रही हैं। उन्होंने आदिवासी समुदाय के बीच रहकर काम किया है, चाहे वो सरकार में रही हों या फिर राज्यपाल। उन्होंने शासन कार्यों और सामाजिक दायित्व दोनों को पूरा किया है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के जरिए पीएम मोदी ने देश में काफी समय से चल रही एक साजिश को नाकाम करने की दिशा में बड़ा कदम भी उठाया है। बहुसंख्यक समुदाय को तोड़ने का एजेंडा चलाया जा रहा है। सैकड़ों साल से इसकी कोशिशें हो रही हैं। विदेशों से चलाए जा रहे हिंदू फोबिया अभियान के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। ऐसे में पीएम मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उतार कर देश के सामाजिक ताने बाने को सशक्त किया है, देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया है, सामाजिक न्याय को सच की जमीन पर उतारा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी और बीजेपी ने यह दर्शा दिया कि किसान उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वही विपक्ष कैंडिडेट चुनने से लेकर कैंपेनिंग तक नेगेटिव पॉलिटिक्स की गिरफ्त में रहा है।